लानत है, कोनो बहुत बड़ी बात है जो तुम जबन से छुपा रही है। उनका सच बता, कैसे का बात हो गई? हम सूरज से प्यार नहीं कर रहे थे। हम जाने थे कि तू झूठ बोल रही है। ये मान ही नहीं सकते कि जिस सूरज के लिए तू सबन का छोड़ने के लिए तैयार थी, आज तू उका ही छोड़ दी। ये झूठ है, उनका सच बता। हम मान ही नहीं सकते कि जिस सूरज के लिए तू पूरी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार थी, आज तू उका ही छोड़ दी। हम नहीं मान सकते। तूफान तो आ ही चुका है और हम सच जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। दीदी रुक जा, तू हमसे बहुत प्यार कर रहे थे और हमने कोर्ट में जो एक बचवा पल रहा है के लिए हम कुछ नहीं बता सकते तुझे। तू जा यहाँ से और हम सच जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। हम जानना चाहते दीदी और हम सब जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे दीदी। लाइन से लाइन सिम लिस्ट सॉरी होल्ड होल्ड फोकस रोनी। हम जानते तो झूठ बोल रहे थे, ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने अपने प्यार का बलिदान कर दिया? बोल हमें, बोल दीदी अपना मन हल्का कर, सच बता दे तो झूठ बोल रही है। हम मान ही नहीं सकते कि तू अभी तक सूरज से प्यार करने का सिर्फ दिखावा कर रहे। हम नहीं मान सकते, हम जानते झूठ बोला हमने, झूठ बोला कि हम सूरज से प्यार नहीं करते, कुछ से ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी मजबूरी कैसी मजबूरी जो किसी को नहीं बता सकते। सूरज को सच नहीं बता सकते। यही तो जानना चाहते हैं ना कि ऐसी काम बच सकते, ऐसा कौन सा सच है जो तू नहीं बोल सकते। हम जानना चाहते हैं और ना कि ये जो राज इन्होंने बताया है कि कमल नारायण के वजह से उन्होंने सूरज से सगाई नहीं की है, तो ये वो राज था और ये राज को दफन करने के लिए दीदी ने मुझे कसम दी। आखिर वो राज या तो 7 बच्चों को कमल नारायण जी बेच देंगे अगर उसने सूरज से सगाई की। जैसे कि हमने शुरू से देखा है चकोर और इमली कोई ना, इस बार उन लोग की क्या प्लानिंग है? प्लानिंग अभी है नहीं, प्लानिंग अभी कुछ नहीं है। अभी दीदी को बस शांत किया है, बहुत जरूरी। सो अभी तो हमने कुछ सोचा नहीं है, बट डेफिनेटली सोचेंगे और कमल नारायण को मारेंगे।